आज डिस्कस करेंगे हार्डविक के कंपोनेंट के बारे में। हार्डविक ट्रेनर किट के हार्डविक सिस्टम में जो हमारे कंपोनेंट यूज़ किए जाते हैं उनके बारे में। तो विभिन्न प्रकार के हमारे ये कंपोनेंट हैं। तो सबसे पहला कंपोनेंट में हमारा हार्डविक पावर पैक आता है। हार्डविक पावर पैक जो हार्डविक का हमारा एक इंजन पार्ट होता है, जहाँ से हमारा मेन सिस्टम सप्लाई हमारा जाता है। तो जैसा आप देख पा रहे हैं हार्डविक टैंक को पावर पैक, सबसे पहले हम लोग देख पा रहे हैं जिसमें हमारा हाइड्रोलिक ऑयल भरा होता है हाइड्रोलिक टैंक। और दूसरा हमारा नेक्स्ट आते हैं इंडक्शन मोटर, जहां से हमारा स्पीड मिलता है पंप को, क्योंकि हाइड्रोलिक ऑयल में हमारा पंप के द्वारा ही सप्लाई मिलता है। तो पंप जो एक्सटर्नल गियर पंप लगा होता है, ये एक्सटर्नल गियर पंप है। इसका हमारा एक इनलेट पोर्ट है और एक आउटलेट पोर्ट है। हमारा इनलेट यहाँ से सप्लाई मिलता है और आउटलेट पोर्ट हमारे यहाँ से इस सिस्टम वाल्व में हमारा यहाँ पे आता है। और बीच में एक कपलिंग क्या हुआ है ताकि ये मोटर और पंप के द्वारा कनेक्ट रहे, जो स्पीड आया उसको, इसीलिए कनेक्टिंग के लिए। नेक्स्ट आते हैं प्रेशर रिलीफ वाल्व लगा होता है इसमें, एक PRV जिसको बोलते हैं। तो PRV का हमारा ये जो PRV है जिसमें एक रेगुलेटर होता है, PRV का काम है प्रेशर रिलीफ वाल्व, जो सिस्टम को ज़्यादा प्रेशर होने से बचाता है। जब भी हम हाइड्रोलिक पावर पैक को ऑन करते हैं तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एक प्रेशर लिमिट हमको एक सेट करना होता है। इस प्रेशर गेज मीटर है, केजी में ये प्रेशर है, केजी पर सेंटीमीटर क्यूब में है। मान लीजिए मैंने कुछ प्रेशर सेट किया 10 kg सेट किया, ऑटोमेटिक क्या हुआ, पंप जो प्रेशर हमारा दे रहा है यहाँ से जब सप्लाई दे रहा है तो वो 20 kg हमारा दे दिया है। तो वो 5 kg जो प्रेशर हमारा जो बढ़ जाता है इसमें शो करेगा, तो वो 5 kg प्रेशर हमारा इस टैंक से थ्रो होते हुए वापस चला जाएगा टैंक पोर्ट से होते हुए, फिर दोबारा टैंक में वापस चला जाएगा। इसका मतलब एक प्रकार का प्रेशर रिलीफ बल्ब हमारा सेफ्टी पर्पस में ये काम करता है। नेक्स्ट आते हैं इसमें एक प्रेशर पोर्ट होता है, जहाँ से हाइड्रोलिक ऑयल हमारा सप्लाई जाता है सिस्टम में किसी बल्ब में, प्रेशर पोर्ट, इसको पी पोर्ट बोलते हैं हम लोग। और दो टी पोर्ट रहते हैं। दो टी पोर्ट इसलिए होता है कि कभी कभी हम जब सिस्टम में हाइड्रोलिक टेनर किट का जब सिस्टम में सप्लाई देते हैं तो कभी कभी क्या होता है, दो बार हमको हाइड्रोलिक ऑयल को रिटर्न करना होता है। जैसा कि हम लोग हाइड्रोलिक ऑयल जो हमारा एक क्लोज लूप सिस्टम है जिसमें हमारा ऑयल जो है सर्कुलेशन होते रहता है, साइकिल चलते रहता है, मतलब ऑयल हमारा एक बार सप्लाई जाता है फिर दोबारा सिस्टम में हमारा फिर वापस जाता है, इसीलिए दो टैंक पोर्ट दिए हुए हैं टी पोर्ट। अब जैसा हम यहाँ पे देख पा रहे हैं इसके अंदर हाइड्रोलिक पावर पैक के अंदर एक फिल्टर होता है जो सिस्टम को हमारा जो हाइड्रोलिक ऑयल में ऑयल एंड डस्ट होता है उसको क्लीनिंग करके सप्लाई देता है सिस्टम में, जो हमारा इस पंप के नीचे होता है। और एक फिलिंग स्टेशन नेक्स्ट पार्ट, ये हमारा हाइड्रोलिक ऑयल का फिलिंग है, जहाँ से हाइड्रोलिक ऑयल हमारा रिफिलिंग होता है, इसको हम लोग ब्रेथर बोलते हैं। ये हमारा इसका हॉस पाइप है, ये हॉस पाइप 1x4 inch साइज का है, गुड क्वालिटी का लेदर, ताकि हमारा हाइड्रोलिक ऑयल का जो टेम्परेचर उसको मेंटेन कर सके, तो टेम्परेचर हमारा वो ख़राब ना हो। नेक्स्ट आते हैं और ये बहुत सारे कॉम्पोनेंट पार्ट इसके साथ जुड़े हुए हैं, जैसे ट्रेनर किट में आप देख पा रहे हैं। सबसे अब में आते हैं 3x2 वे डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व, डीसी वाल्व। डीसी वाल्व का एक ही काम है हाइड्रोलिक ऑयल में, बहुत सारे डीसी वाल्व पाए जाते हैं डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व, जो हाइड्रोलिक ऑयल को फ्लो का डायरेक्शन देने में हमारा हेल्प करते हैं। ये 3x2 वे डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व है जिसमें 3 पोर्ट है हमारे, एक टैंक पोर्ट है हमारा, एक प्रेशर पोर्ट है और एक सप्लाई पोर्ट है हमारा। एक टी पोर्ट है प्रेशर पोर्ट, एक आपका प्रेशर पोर्ट है, एक टैंक पोर्ट है और एक आउटपुट पोर्ट है हमारा, जहाँ से आउटपुट निकलेगा हमारा, और ये लीवर ऑपरेटेड है। नेक्स्ट आते हैं 4x2 वे डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व। 4x डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व इसमें 4 पोर्ट पाए जाते हैं और 2 वे होते हैं। 4 पोर्ट है, एक हमारा टी पोर्ट, प्रेशर पोर्ट, टैंक पोर्ट है, टैंक पोर्ट, प्रेशर पोर्ट एंड 2 आउटपुट पोर्ट है, पोर्ट ए एंड पोर्ट बी। नेक्स्ट इसी तरह सेम एक और डीसी डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व है जिसका नाम है 4x2 वे डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व। इसमें 3 वे है, इसमें भी 4 पोर्ट पाए जा रहे हैं, एक टी पोर्ट इसमें प्रेशर पोर्ट हमारा सप्लाई जाएंगे, टी पोर्ट जिसमें टैंक वापस हाइड्रोलिक ऑयल सिस्टम में होते हुए फिर वापस जाएगा हाइड्रोलिक पावर पैक में, जैसा आप देख पा रहे कनेक्शन किया हुआ है। 2 हमारा आउटपुट पोर्ट है, इस आउटपुट पोर्ट का हम एक्चुएटर के साथ कनेक्ट किए हैं। ये जो हमारा ये डबल एक्टिंग सिलेंडर है, डबल एक्टिंग सिलेंडर इसलिए बोला गया कि इसमें 2 पोर्ट है हमारा, 2 आउटपुट पोर्ट है, पोर्ट ए एंड पोर्ट बी। एक्चुएटर हाइड्रोलिक में हमारा मेन एक्चुएटर डबल एक्टिंग सिलेंडर, जिसको एक्चुएटर ही बोलते हैं, डबल एक्टिंग सिलेंडर ही बोलते हैं। इसका एक ही काम है
हाइड्रोलिक का मेन वर्क जो हमारा इसी के द्वारा होता है, इसीलिए हाइड्रोलिक डबल एक्टिंग सिलेंडर का हाइड्रोलिक में काफ़ी इंपॉर्टेंट काम है। इसमें एक पिस्टन सिलेंडर लगा होता है जो हमारा, इसमें जब हाइड्रोलिक ऑयल जब फिलिंग होता है तब ये ऊपर उठता है और हमारा एक हाइड्रोलिक का एक एप्लीकेशन को ये दर्शाता है। नेक्स्ट आते हैं पायलट ऑपरेट चेक वाल्व। ये पायलट ऑपरेट चेक वाल्व, इसका काम यही है कि जब भी हमारा कोई हाइड्रोलिक वाल्व इससे सप्लाई जाएगा तो चेकिंग होते हुए जाएगा, इसलिए पायलट चेक वाल्व नाम पड़ा है इसका। प्रेशर रिलीफ वाल्व, प्रेशर रिलीफ जैसा मैंने अभी इससे पहले डिस्कस किया प्रेशर रिलीफ वाल्व के बारे में, वो हमारा यही प्रेशर रिलीफ वाल्व है। नेक्स्ट है मैनिफोल्ड है, यानी इसके द्वारा हम एक सप्लाई दे करके हम चार आउटपुट हम ले सकते हैं। इसका एक प्रेशर गेज दिया हुआ, और नेक्स्ट है प्रेशर गेज, इसमें हम प्रेशर गेज हाइड्रोलिक वाल्व का प्रेशर को नाप सकते हैं कितना सप्लाई मैंने दिया। आशा करते टॉपिक आपको समझ में आया होगा।